अच्छा वो सब ठीक है समीरना, अब थोड़ा सा रियलिटी में आ जाओ। बहुत जोर से भूख लगी है, शॉपिंग भी बढ़िया की है तुमने, कुछ खाने के लिए है क्या? या याद दिलाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। बेचारा बेचारा, उसकी हालत तो मच्छी भी गई गुजरी होगी। क्या पवन ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तुम चिल मारो। हे पवन, आई नो कि तुम भूखे हो, तुम लोग तो हमें हमेशा उल्लू बना सकते हो, है ना? कम ऑन यार, मेरे पास जितनी चीजें हैं उससे तो फुल डिनर ही हो जाएगा। एक्चुअली मैं और मेरे फ्रेंड्स ने केरला ट्रिप प्लान किया था आज की इवनिंग के लिए, ओह इसीलिए इतनी शॉपिंग की है आज। इस वक्त फ्लाइट में रहना चाहिए था, ऐसे लिफ्ट में रहना पड़ रहा है। क्या हुआ? पूरे मॉल में लाइट चली गई होगी शायद। अरे यार, बैटरी के सहारे शायद ऑटोमेटिक लाइट चल रही थी। तो अब मोबाइल लाइट का सहारा है। मोबाइल है ना? आइडिया अच्छा है। वो तो ठीक है, पर वाइन चलेगा ना तुम्हें? ओहो, बढ़िया प्रिपरेशन में लगता है तुम्हारा पूरा बैच। हाँ, व्हाई शुड ओनली बॉयज हैव ऑल द फन? बाय द वे, ये ब्रांड चलेगा ना? मुझे ब्रांड से कोई लेना देना नहीं, कंटेंट चाहिए बस। वाह, मूनलाइट जैसी लगने वाली ये मोबाइल लाइट, एंड व्हाट अ लवली रोमांटिक नाइट। बल्ला कुआरा लगता। बाप रे, ऐसे हालात में वाइन ऑफर करके रिस्क तो नहीं ले लिया ना? हेलो, क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि वाइन ऑफर करके कहीं रिस्क तो नहीं ले लिया? तुम्हारे एक्सप्रेशन से ही तुम्हारी सोच समझ आ रही है। तुम ये सब सोचकर बेकार की टेंशन मत लो, और तुम लड़कियों को एक ग्लास पीते ही भूगोल भवरे की तरह सर घुमाई देता दिखता है। मैं तो पूरी बॉटल बॉटम्स अप करने के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही रहता हूँ, सो डोंट वरी। अब हम कंट्रोल खोएंगे और सुबह होते ही तुम्हारे आंसू टपकेंगे, ऐसा सीन तो नहीं होगा बाबू। बस समझ गई मैं, लेट्स एंजॉय। हाँ ठीक है। तुम्हारी आइडिया में थोड़ा सा रंग डालकर मूड सेट करती हूँ। सेटिंग तो बहुत बढ़िया लग रही है। तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं कबाब में लगती हूँ ना। Waiting for the sunshine. Waiting for the sunshine. What next? Wine. इस लड़के से रुका नहीं जा रहा। Can you pass on my guitar? पवन, तुम तो बहुत सुपर हो। तुम तो बोल रहे थे भूगोल गोल गोल घूमेगा, आई मीन लट्टू की तरह गोल गोल घूमेगा, लेकिन तुम तो टोटली मुझे किसी दूसरे प्लैनेट ले गए। Mm-hmm.
बैटरी खत्म हो जाएगी तो मैं मोबाइल लाइट ऑन करता हूँ। तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम आराम से सो जाओ। ये क्या कर रहे हो? समरीना, नो, I said no. समरीना, no, you idiot. समरीना, no, no, get away. No. I'm really sorry, Pavan. I'm so sorry. शायद नींद लग गई थी मुझे। Actually मेरे chest पर चूहा आ गया था तो I thought it was you. Suddenly चूहे को expect नहीं कर सकते हैं ना? I can understand. It's embarrassing for you. But I'm sorry, Pavan. ऐसे मत देखो प्लीज। मैं रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ समीरना। मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस दोनों यही है। एंड अकेले में मेरे साथ रहने वाली लड़की से मैं मिसबिहेव करूँ इतना चीप नहीं हूँ। तुम गलत समझकर मुझे मारी तो मुझे बुरा नहीं लगा समीरना। मुझे तो बुरा मानने का हक भी नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में मैंने भी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही मारा था ना। सो नो मेलोड्रामास। यू नो व्हाट, तुम्हारे गुस्से के अलावा तुम्हें कोई कमी नहीं है पवन। तुम साफ हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब मुझे तुम स्ट्रेंजर हो ऐसा महसूस नहीं होता। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू पवन। Good night. Happy birthday, Sameerana. Thank you so much. This is totally unexpected. अब तक मेरी लाइफ में सबसे बड़े सरप्राइजेस सिर्फ दो ही हैं। वो दोनों भी आज ही हुआ। दोपहर के 12 बजे तुम्हारा मुझे चाटा मारना और रात के 12 बजे ऐसी जगह पर ऐसे हालात में तुम्हारा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना। मैं केरला में फ्रेंड्स के साथ केक कट करने पर भी मुझे इतना थ्रिल शायद नहीं मिलता। अगर फेमिना के कवर पेज पर मेरी फोटो आती ना और फेसबुक पर मेरी फोटो को 1 मिलियन लाइक्स मिलने पर भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितना शायद आज हुई है। माय ग्रेस, थैंक यू। कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
समीरना, तुम एक बार अपना फोन दोगी क्या?